अहमदपुर सियाल वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया है। उनके सारे बलोच भी हैं, पठान भी हैं, सैकी भी हैं, पंजाबी भी हैं। मैं अक्सर उन्होंने कहा कि मैं कोई सारे जबाना भी आ बलोची भी आती है, फारसी भी आती है, पश्तो भी आती है, लेकिन यकीन मानो जो चंगी बोलने की चाहते हो वो घट जबान है। मेरे को याद है कि मेरा जो ट्रांसफर है 2018 किया, मेरा ड्राइवर तो गन में मेरे को इन किया है, उसको मुल्तान से मेरी पोस्टिंग आई गई। जिसल हैड मोहम्मद अल क्रास की तरह पता लगा कि अजीब दुनिया चल रही है, क्योंकि 1999 तो बाहर ये पास आवन का मौका ना मिला। 1999 2000 वाले साहब की पोस्टिंग मिली फैसलाबाद है, इस वास्ते 18,000 गुजरने का मौका मिला। तो बोले असं छोटे होंगे स्टूडेंट आसे कहीं वहमो गुमान अच्छी को है कि असं बेल्ट इलाके से ना खिदमत करने का मौका मिली, लेकिन बहरहाल सब किस्मत बन रही। लेकिन जिसल किबे शुरू होने तो बड़ी अजीब सी कफिया शुरू हो गई कि बड़ा शायद ब्याह ब्याह इलाका है। लेकिन जिसल रंगपुर और जवाना बंगला है उन्हें किबे बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, क्योंकि मेरे जहन है जो बलोची जरा कल्चर इलाका है यो, और जरा गासी खान हाजिर तो है जितना सहरा भी है, दरिया भी है, जितना पहाड़ भी है। लेकिन सहरा और दरिया देख तो बड़ा एक दफा दिल खुश थी गया, इतना बलोच भी है, इतना सहरा भी हो सी, इतना दरिया भी हो सी, सारा उतार का बड़ा मजा से, और आवाम की मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। और यकीन अहमदपुर 40 साल करना बहुत ज़्यादा एक मज़ा भी आया, बड़ा अच्छा तजर्बा है। उन्हें बाद वाली थान आ गया माशा बड़ी अच्छी एक सोच है जहाँ गाने की, जहाँ के जो लोग हैं वो तरक्की के हाल बाकी तमाम जिले के बहुत अगे हैं। म्यारे तालीम होवे, अच्छी सोच होवे, या वाल तालीम से अगे वन का रुझान है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इतों के लोग वो जात पात तो हट के भी बहुत अच्छे हैं, और आला हुकूमत की अहदा से भी फायज हैं, सियासत से बहुत बड़ा मुकाम है, और जो सारे कौमी हीरो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर से सियासत, वकालत, तजारत, मजहब या वह दूजे दूजे जोड़े सारे शोबाए होंगे उन्हें सिखा उन्हें तो जंग का एक बहुत बड़ा नुमाया सिदार है, और इन बलोच जड़े कौम है उन्हें एक बहुत बड़ा नुमाया रोल है। और मौजूदा दौर नौजवानों को एक जिसला दिल है कि असं वकालत चले थे, और जो दूसरे सारे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन मुकाबले में ध्यान है उन्हें पार्टिसिपेट करने पे और अच्छे अच्छे पोजिशन गिरने पे यकीन बहुत ज़्यादा जाना खुशी भी थी। उन्होंने तो ये ज़्यादा खुशी थी कि हुकूमत ने भी इन्होंने पेट्रोनेज लिखी हुई है, कौन भी सब रस्ते चके आने पे फिर कंपटीशन भी हो जाए तो हर एक बंदे को एक साथ तरक्की के मौके जाने मिलते हैं। एक मुकरे ने उन्हें दसाया कि जी असम तो हिजरत करके आए बलोचिस्तान चो तो साढ़ा कितने जगीर हम खड़ा करना है। मैं याद है कि मेरे वाले साहब जिसल मेरे को दिसन दिया कि जी सारी जमीन जो हैदराबाद आने इस्तेमाल आ गया, लिहाजा साहब ने बे जगह तो मूव करना पे अस उ दोबारा बलात्कारी की थी, तो मेरे वाले साहब दिसन कि सारे दादा ने साहब को दसा कि बलोच कौम जी है ना इंटर रिस्क हमेशा जमीन के थले होंगे, लिहाजा उतो कटने की कोशिश करो, अस दोबारा जमीन लिहाजा इस वास्ते जमीन के उत्ते जितना होना जमीन के थले भी उतना ही तदब्बुर करो, जमीन के थले अल्लाह ताला ने कड़े खजान रखे हैं। और बलोच कौम भी हमेशा ये एक वतीरा है, उन्हें शामिल होकर मेहनत की बड़ी हुई है, जमीन के उत्ते हुए खेतीबाड़ी करनी हुए या सोना निकालना हो या तेल करना हो या दूसरी मालूमियात करनी हो तो बलोच कौम का जो अकल है इस बारे काफ़ी तेज है और काफ़ी तेज है, और यकीन अल्लाह ताला दीन के ब्लेसिंग्स भी शामिल, रहमत भी शामिल। इन खिते के हवाले ना ये है कि बलोच कौम बहुत ज़्यादा वाद रही था, और मेरी पोस्टिंग में किस्मत आखो तो या हुकूमती कोई आखो या जिन्हें आखो कोई जितना भी थी हमेशा वो बलोच बैठ जा चुकी है। शुरू को जरा गाजी खान वाल राजनपुर राजनपुर तो बाद वाल साहिवाल गए, साहिवाल एक ऐसा खिता है कि जितना बलोच कौम एक अजीम फरजान चाक आजम बदफन है उन्होंने दरबार जो फिर हाजिरी का मौका मिला, उस तो बाद फिर था 1884 के पता लगा कि जनाब इतना बहुत ज़्यादा कौम आबाद है। मेरी तमाम तो रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान है कि गुलदस्ते जितना है इनमें सिंधी भी है, बलोच भी है, पंजाबी हैं, सैकी हैं, मुख्तलिफ लिसानी और कौमी ग्रुप आबाद है। इस मुल्क की तरक्की वास्ते बगैर कहीं कौम के जात पात के सियासी वाबस्तगी के मजहबी वाबस्तगी के या मसले की वाबस्तगी के काम करो, इस मुल्क को एक खुदादाद मुल्क करें,
और ताकि अमर इंशाल्लाह चाहे जो कैम रास यहां से इस मुल्क की तरक्की वास्ते इस दी आवाम की फलाह बहबूद वास्ते कौम जात पात मजहब मसलक सियासत वकालत जानत दोस्तों प्लीज बाला तरफ के काम करो। और जितना तक 18 जारी इसी ऑफिस से ताल्लुक है प्लीज मैं को अपना ये ना सुनो कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर में हमेशा आता कि मैं पब्लिक सर्वेंट आवाम का खादिम क्योंकि कानून है जरा सारा सिर्फ सारे मुल्क के बीच जड़ी एक दहशत जगती है जड़ी एक मनफी सोच है प्लीज तो सब नौजवानों को उनका खात्मा करने वास्ते हुकूमत साथ दो और इस मुल्क की तरक्की से अपना हाथ मत पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू।